Hello friends, welcome to Inspired Civils. My name is Asif Ramzan and today we are going to discuss bureaucratic theory of organization. Okay, see, as far as the name Max Weber is concerned, ये almost synonymous है bureaucracy के साथ. जहाँ पे भी bureaucracy की बात होती है तो Weber जो thinker है इनका नाम ज़रूर आता है. ठीक है जी, Weber जो थे ना ये sociologist थे. ठीक है, इन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत लिखा है, बहुत इनकी पब्लिकेशंस है वहाँ पे. ओके, यहाँ पे देखिए इनकी बहुत सारी वर्क्स में बहुत सारी इम्प्रेसिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव इन्होंने काम जो किया वो डोमिनेशन, लीडरशिप एंड लेजिटिमेसी पे किया. ठीक है जी, एक और बात, जो वेबर थे ये थोड़े रिलीजियस टाइप के बंदे थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये अपनी थियरीज दी, इन्होंने क्या किया, जो रिलीजन और सोसाइटी का इफेक्ट होता है एक इंसान पे, जो रिलीजन और सोसाइटी का एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, सिस्टम्स पे, ऑफिसेस पे, इन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखा, रिलीजन और सोसाइटी को ध्यान में रखा अपनी अपनी जो थियरीज हैं ये प्रोपाउंड करते टाइम. ठीक है जी, अब इन्होंने अथॉरिटेरियन सिस्टम जो थे ओके वो स्टडी किए. उसके बाद ये इस पे काम कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जो होता है वो अथॉरिटी जो उसके पास होती है वो ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डर क्यों देता है और दूसरा बंदा वो ऑर्डर लेता क्यों है. ठीक है जी, ये इस पे काम कर रहे थे. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट करके दिया अथॉरिटी और पावर को, इन्होंने बताया कि ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं. देखिए अभी तक तो मे बी बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि अथॉरिटी और पावर जो हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन जो वेबर थे उन्होंने क्या बताया हम देखते हैं. देखिए वेबर ने बताया कि पावर और अथॉरिटी अलग है. पावर होता है फॉर एग्जाम्पल एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो किसी भी एक्टर को या किसी भी इंसान को फ़ोन करके बोलेगा कि मेरे लिए कुछ काम करो, मेरे लिए डांस करो, मुझे पैसे दे दो, तो बंदा देता है. ठीक है जी, रेजिस्टेंस होती है, अगर आपको कोई गुंडा बोले कि मेरे लिए काम करो, रेजिस्टेंस होती है, आप नहीं करना चाहते लेकिन आप करते हैं, डर होता है एक टाइप का. बेसिस ऑफ पावर जो होता है वो कोर्शन होता है. ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है ऑल्दो आप करना भी नहीं चाहते. ठीक है जी, वो पावर होता है. ऑन दी अदर हैंड अथॉरिटी की बात करते हैं. देखिए अगर एक ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिसमैन होता है वो आपको बोलता है कि आप इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाइए, आप उसकी बात मानते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है उसके ऑर्डर में कुछ लेजिटिमेसी है, आपको ये पता है कि ये कानून का बंदा है, ये स्टेट का बंदा है. ठीक है जी, तो सिंपली पावर मान लीजिए गुंडे के पास होता है. ठीक है, और अथॉरिटी जो होता है, अथॉरिटी एक ऐसे बंदे के पास होता है जो कानून का रखवाला हो या जो खुद किसी कानून के दायरे में रह के हमें ऑर्डर देता है. ठीक है जी, आप एक डिविजनल कमिश्नर को लीजिए, किसी भी ऑफिसर को लीजिए, उनके पास अथॉरिटी होती है ना कि पावर. पावर एक गुंडे के पास होता है जो आपसे ज़बरदस्ती काम करवाता है. तो वेबर ने पहले इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया. आई होप आपको ये समझ आया हो, सिंपल सी चीज़ है. एंड वन मोर थिंग कि आगे एक चैप्टर है डेवलपमेंट डायनामिक्स, वहाँ पे हमें फिर से वेबर को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे हम फिर और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे. ठीक है जी, ओके, तो पावर और अथॉरिटी, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हों. ठीक है जी, अभी हम आते हैं. वेबर ने बोला था कि कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं अथॉरिटी के. इनका मानना था कि अगर ये वाले कंपोनेंट्स मिसिंग हो तो अथॉरिटी होती नहीं है. ठीक है जी, अब इन्होंने पांच एसेंशियल कंपोनेंट्स की बात की. पहले इन्होंने बोला कि एन इंडिविजुअल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हु रूल. देखिए मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोई स्टेट है, वहाँ पर कुछ हज़ार लोग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है या कुछ ऐसे लोग नहीं है कि जो रूल करना चाहे या जो रूल करते हों, तो वहाँ अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगी क्योंकि कोई रूल करने वाला ही नहीं होगा. या दूसरी एग्जांपल, अब रूल करने वाले हैं लेकिन जिन पे रूल किया जाए, जो लोग हैं, जो जनता है, वो है ही नहीं, तो वहाँ पे भी जो अथॉरिटी है वो नहीं हो सकती क्योंकि ये एसेंशियल कंपोनेंट है. उसके बाद मान लीजिए दोनों चीज़ें हैं लेकिन किंग की विली नहीं, वो नहीं करना चाहता रूल, वो किसी को
ये ऑर्डर नहीं देना चाहता, वो आवाम का जो बिहेवियर है उसको किसी तरीके में वो कंडक्ट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे भी अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रूलर्स, एक ये अगर एक सोसाइटी है यहाँ पे दिखना चाहिए कि जो रूलर है उसका कुछ इन्फ्लुएंस है, अगर रूलर ने कभी कुछ कहा है उसके उसके कहने से जो हैं चीज़ें आगे पीछे होती हैं, चेंजेस आ जाती हैं उसके कहने से, उसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है जी, एविडेंस ऑफ रूलर्स एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस ऑफ हिज कमांड, ये भी सबूत होना चाहिए कि जो रूलर की कमांड है जो भी वो बोलता है वो सुनी जाती है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। जब ये पांच चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, इनमें से एक भी मिसिंग हो अथॉरिटी नहीं हो सकती। ठीक है जी, उसके बाद जो वेबर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बताया कि जो अथॉरिटी होती है वो तीन टाइप्स की होती है। ठीक है जी, पहला इन्होंने बताया ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उसके बाद इन्होंने बताया करिज्मेटिक अथॉरिटी, एंड उसके बाद इन्होंने तीसरा बताया लीगल रैशनल अथॉरिटी। हम एक एक को आराम से देखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में सबसे ज़रूरी होता है कस्टम्स, एज ओल्ड कस्टम्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पहले पहले जो महाराजा थे, जो किंग्स होते थे, कस्टम चलता आ रहा था कि उनकी बात सुननी है। ठीक है जी, तो वैसे ही चलता था। ठीक है जी, वहाँ पे होता क्या था कि वो जो लोग थे कभी कभी ये समझते थे कि जो किंग है इसे भगवान ने चुना है हमारे लिए, तो वो मानते थे, एक रिवाज बन गया था। उसके बाद आप इंडिया की एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है जी, ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदारी सिस्टम फ्यूडल टाइप का था, ज़मींदारी सिस्टम में भी कस्टम्स थे कि हमारे तो दादा परदादा, रिवाज था कि हमारे दादा परदादा भी ज़मींदार साहब की सुनते हैं तो हमने भी सुनना है। ठीक है जी, तो वही होता था कि कस्टम्स की वजह से एक अथॉरिटी होती थी जिसे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते थे। अब यहाँ पे पर्सनल ऑर्डर्स दिए जाते थे, जो ज़मींदार साहब को अच्छा लगे वो चलता था। ठीक है जी, जो कमांड होती थी इसमें लॉयल्टी होती थी, जो लोग होते थे वो लॉयल होते थे। ठीक है जी, लॉयल होते थे, वो मानते थे बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी वो इरेशनल होती थी। अब देखिए, इरेशनल डेफिनेटली होगी क्योंकि अपनी मर्जी से जो मन में आया वो बोलते जाते हैं। उसके बाद कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे। ठीक है जी, इसके दो टाइप्स थे, ये इसके टाइप्स हैं, टाइप वन और टाइप टू, पेट्रियार्कियलिज्म एंड पेट्रीमोनियलिज्म। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है। अभी ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बाद दूसरा जो है वो करिज्मेटिक अथॉरिटी होता है। देखिए, करिज्मेटिक अथॉरिटी में क्या होता है, कोई इंसान ऐसा होता है सोसाइटी में जो सबसे डिफरेंट होता है, उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो बाकी लोगों में नहीं होती, और यही क्वालिटी, यही करिज्मा जो उसकी पर्सनैलिटी में होता है, इस वजह से क्या होता है कि लोग उस इंसान को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, देखिए कुछ प्रॉफिटस होते हैं, कुछ हीरो होते हैं, या डेमागॉग, डेमागॉग जैसे कोई नेता जो बड़बड़ करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, इम्प्रेस करेगा, उसके बाद अपना चलाएगा कानून, अपना जो है काम चला लेगा। ठीक है जी, अभी देखिए यहाँ पे जो लीडर होता है ना करिज्मेटिक अथॉरिटी में, लीडर जो होता है वो अपने ऑफिशियल्स को खुद ही चुनता है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे जो अपने होंगे मैं उन्हीं को अपना बना दूंगा, अपना टीम जैसा बनाऊंगा, उन्हीं को अपने ऑफिशियल्स सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ होती है। देखिए, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। जो ये लीडर होता है, जो इसे पसंद आए वही होता है, जो इसे पसंद आए वो रूल बन जाता है। ठीक है जी, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया लीगल रैशनल अथॉरिटी। देखिए, जैसे हमारे किसी ऑफिस में डीसी साहब बैठते हैं तो वहां पे लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है, वहां पे जो सुपीरियर होता है, अगर डीसी साहब है उनके नीचे कोई क्लर्क का मान लीजिए है, तो ये दोनों होते हैं सिलेक्ट किए हुए होते हैं, थ्रू एक प्रॉपर सिस्टम से आए होते हैं। ठीक है जी, जैसे यूपीएससी ने कंडक्ट किया होता है एग्जाम, उससे डीसी साहब आए होते हैं, या एसएसबी ने किया होता है एग्जाम तो उससे क्लर्क जो होते हैं वो आते हैं, उनकी सिलेक्शन जो होती है। ठीक है जी, वो एक
प्रॉपर लीगल तरीके से होती है, वो किसी की मर्जी से नहीं होती, ठीक है। और ये बात कि जो ये जो लीडर होते हैं ना, और ये सॉरी ये जो यहाँ पे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ये एक लीगल एम्ब्रेला के तहत तहत काम करते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि डीसी साहब की जो मर्जी हो वो करें, नहीं, उनको भी कानून जो होता है वो देखना पड़ता है, ठीक है जी। वो कानून से बाहर नहीं जा सकते, ओके। तो तीन टाइप्स की अथॉरिटी बोली, जैसे पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उसके बाद करिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। अब पेट्रियार्कलिज्म, देखिए कुछ आपको पता है कि कुछ ट्राइब्स होते हैं जो उनका जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है जी, ठीक है जी, जो सबसे बुजुर्ग होता है ट्राइब में उसे लीडर बनाया जाता है, वो एक ये पेट्रियार्कलिज्म वही होता है। और पेट्रिमोनियलिज्म में जो ऑफिस होता है वो हेरिडिटरीली ट्रांसफर होता है फिर, ठीक है जी। और जो अब जो स्टाफ होता है, ठीक है जी, उसको भी खुद ही सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि ऑफिशियल होंगे, एक अगर कोई बॉस है या किसी भी, आप मान लीजिए ट्राइब में हेरिडिटरी ऑफिस है किंग का, तो उसके बाद जो उसका टीम होता है वो खुद ही उनको सिलेक्ट करता है, वो पैट्रिमोनियलिज्म में आता है, ठीक है जी। ओके, पैट्रियार्कलिज्म ओल्डेस्ट और यहाँ पे हेरिडिटरी, ठीक है जी। ओके, अभी आते हैं हम वेबर ने और थोड़ा सा क्या कहा। देखिए वेबर कहते थे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी क्लेम लेजिटिमेसी एज लॉन्ग एज रूल एक्सेप्ट, जब तक लोग इसमें ये हो या ये वाली हो या ये वाली हो, जब तक लोग आपका जो है ऑर्डर वो सुनते हैं तब तक आप लेजिटिमेट हो, तब तक आपका काम चलेगा, ठीक है। जब लोगों ने आपका सुनना छोड़ दिया तो आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो आपके आप मान लीजिए आपकी अथॉरिटी होती ही नहीं अगर आपकी बात कोई ना सुने, ठीक है जी। ये भी कि अथॉरिटी तब भी खत्म हो जाती है अगर रूलर कोई इलीगल काम करे, ठीक है जी। हमारी कंट्रीज में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि वहां बिकॉज ऑफ करिज्मा, जो करिज्मेटिक अथॉरिटी है वो खत्म हो गई, क्योंकि लीडर्स जो थे उन्होंने कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करे कि दुनिया ही शर्मा जाती है, ठीक है जी। या कभी रूलर जो होता है वो आपको बोलता है कि ऐसे फॉलो करो, करिज्मेटिक अथॉरिटी ले लीजिए, वो आपको बोलता है कि ऐसे फॉलो करो, बुरा नहीं करो, ऐसे करो, अच्छा करो, और खुद वो वही करता है, उल्टा काम कर देता है, जो बिलीव्स होते हैं उनके अपोजिट कुछ कर देता है, तो तब भी जो अथॉरिटी होती है वो सीज हो जाती है, ठीक है। देखिए जो वेबर थे उन्होंने लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें लीगल रैशनल अथॉरिटी पे काम किया, और इसी थ्योरी को सॉरी इसी टाइप ऑफ अथॉरिटी को माइंड में रख के इन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है जी। अभी हम ब्यूरोक्रेसी पे आते हैं, देखिए वेबर ने एज सच कभी ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया। अभी ब्यूरोक्रेसी होता क्या है, ठीक है जी। देखिए ये एक सिस्टम होता है जिससे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे ऑफिसर्स, तो मतलब उन सब का एक सिस्टम होता है, वो सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। अब वेबर ने खुद कभी ज्यादा डिफिनेशन नहीं दी ब्यूरोक्रेसी की, लेकिन उन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी पे और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे लोगों ने और भी बोला है, लेकिन वेबर इनमें सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है जी। देखिए वेबर ने कैटेगराइज किया ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है जी, यहाँ पे पैट्रिमोनियल और लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने बताया, ओके। हम ये डेवलपमेंट डायनामिक्स में आगे फिर से डिटेल में हमें पढ़ना है, यहाँ पे इतना ही आप याद रखिए। अभी हम आते हैं कि जो इन्होंने वेबर ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, वो होता है, ये होता है, वो जरा देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं, ठीक है जी। देखिए पहला जो लीगल रेशन अथॉरिटी, यही इसी चीज को बेस बना के जो वेबर है उन्हें ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारी चीजें बताई। उन्हें पहले बोला था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है जी, ब्यूरोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑफिशियल बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है जी, सॉरी यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस मतलब कि ऑफिशियल जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यूअस चलता है, ऐसा नहीं कि 6 महीने का ऑफ उसके बाद फिर से कंटिन्यू, नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहता है, 24/7 काम चलता रहता है।
24/7 पुलिस काम करता है, बाकी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, ठीक है जी, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, कोई ब्रेक्स नहीं होते उसमें। जो फंक्शन करते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो चलती है विद इन स्टाइपुलेटेड रूल्स, जो रूल्स रेगुलेशन जो लॉज होते हैं उसी के अंडर चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि डीसी साहब बोले नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी कानून में ही ना हो, नहीं, उनको कानून को, वो ब्यूरोक्रेसी में वो कानून को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। एवरी ऑफिशियल एंड ऑफिस इज पार्ट ऑफ हायरार्की। देखिए, चाहे डीसी साहब हो, डीसी साहब के ऊपर भी कुछ अपने बॉसेस होते हैं, इनके नीचे चाहे क्लर्क हो, ये सारे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हायरार्की जो होती है उसका, ये सारे लोग उसका पार्ट होते हैं, ठीक है जी। मतलब कि इनके ऊपर भी कुछ कोई होता है, इनके नीचे भी कोई काम कर रहा होता है, ठीक है जी। देखिए, ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डीसी साहब हैं, अगर उनके पास फंड्स हैं तो वो उनके अपने पर्सनल फंड्स नहीं होते, वो उनसे शॉपिंग नहीं कर सकते अपने लिए, वो जो होता है वो पैसा अपने पैसे से अलग होता है, ठीक है जी। आपका जो पैसा होता है ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो आपको यूज़ करना पड़ता है अपनी ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को कैरी करने के लिए, और इसका आपको जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 करोड़ रुपए उठा के किसी ने कहीं पे खर्च कर दिए, उसका जवाब देना पड़ता है। और आपके जो अपने पैसे होते हैं, आपके अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो अलग होते हैं, और ऑफिशियल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं। ऑफिसेज कैन नॉट बी इनहेरिटेड और सोल्ड। डीसी साहब ये नहीं बोल सकते कल कि मेरा बच्चा जवान हो गया तो चलो उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे डीसी, नहीं, इनहेरिट नहीं होता, ना ये बेचा जा सकता है कि मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ, मैं किसी और से 10 करोड़ रुपए लूँगा और मैं आपको ये ऑफिस दे दूँगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन एक प्रॉपर सिस्टम से होती है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है चलती है रिटर्न रिकॉर्ड से, ठीक है जी, जो आपने किया उसका रिटर्न रिकॉर्ड होता है, जो आपने करना है उस सब का रिटर्न रिकॉर्ड होता है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न रिकॉर्ड्स के बेसिस पे चलती है, जो भी होता है उसको लिखा जाता है, लिखित में होता है सब कुछ, ठीक है जी। इसके बाद जो वेबर थे, पहले इन्होंने ये बोला कि ब्यूरोक्रेसी एज अ होल उसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो ऑफिशियल होता है, अब जो ऑफिसर है उसके भी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम देखते हैं ज़रा। देखिए, एक ऑफिसर को रेगुलर सैलरी मिलती है एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, प्रमोशन होती है, केएस ऑफिसर बनोगे आप, उसके बाद ग्रेजुअली प्रमोशन होता जाएगा, वही होता है ग्रोथ, और रेगुलर सैलरी भी मिलती जाएगी, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क इज़ फुल टाइम ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। ये एक आईएएस ऑफिसर है, अगर वो बिजनेस भी करता है, ठीक है, लेकिन जो आईएएस का जो काम होता है, ये जो ऑफिसर वाली कैपेसिटी होती है, वो फुल टाइम ऑक्यूपेशन होता है, पार्ट टाइम नहीं होता, फुल टाइम ऑक्यूपेशन होता है। इसी चीज़ में आपने रखना रहना पड़ता है। इनफैक्ट आपसे बॉन्ड भी लिया जाता है कि आप ये कोई छुपे तरीके से कोई और जॉब नहीं करेंगे, ये भी होता है, ठीक है जी। इज पर्सनली फ्री एंड अपॉइंटेड ऑफिस ऑन बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन ये कि जैसे एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है तो एक सिग्नेचर करते हैं कि मैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूंगा, उसी के अंडर काम करूंगा, ठीक है जी। पर्सनली वो फ्री होते हैं, मतलब कि वो किसी के गुलाम नहीं है पर्सनली, कि सीएम साहब हैं तो उनके अपने गुलाम, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद इम्पर्सनल रूल्स, आगे देखते हैं इम्पर्सनल रूल्स क्या होते हैं। इम्पर्सनल रूल्स के हिसाब से ही वो काम करते हैं, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट एंड जॉब प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशन, जितना आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो उतना आपकी जो पोजीशन है वो आपको अच्छी मिलेगी, उतनी आपकी जो जॉब है वो आपकी अच्छी मिलेगी, ठीक है जी। अब देखिए, वेबर जो थे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है वो जी बेस्ट है, ठीक है, वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेस्ट है, जो रूल्स रेगुलेशंस में चले, ठीक है जी। उन्होंने ये भी बोला जो ब्यूरोक्रेसी है ये इंडिस्पेंसेबल है, वो परमानेंट है, मतलब कि इसके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती, और ये हमेशा रहने वाली है, ठीक है जी। अब इन्होंने मेन एलिमेंट्स क्या बोले ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था इम्पर्सनल ऑर्डर, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इम्पर्सनल ऑर्डर। देखिए, इम्पर्सनल ऑर्डर मतलब कि ये जो आपकी जो आपका जो पावर होता है ऑर्डर देने का, वो आपका पर्सनल पावर नहीं होता, वो आपके ऑफिस में पावर होता है, आपकी पोजीशन में पावर होता है। जैसे एक डीसी साहब होते हैं,
इनका कुछ नाम अगर हो मिस्टर ए, तो मिस्टर ए एक अलग आइडेंटिटी है, डीसी साहब एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं कर सकते कि अपने रिलेटिव्स होंगे उनके लिए कानून अलग देंगे कि ऐसा करो आप, उनके लिए सॉफ्ट कानून बनाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर देते हैं एज ए डीसी साहब, ना कि एज ए मिस्टर ए, तो वही होता है इम्पर्सनल ऑर्डर, ठीक है जी। इनका जो पावर होता है, जो इनका अथॉरिटी होता है डायरेक्शंस देने का, कमांड करने का, कंट्रोल करने का, वो इस पोजीशन में होता है, इनके ऑफिस में होता है, ना कि इनका अपना लाया हुआ होता है, ठीक है जी। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही काम होता है, ठीक है जी। ये उसके बाद स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, हायरार्की, पर्सनल एंड पब्लिक एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड मोनोक्रेटिक टाइप। हम एक एक कर को देख एक एक करके देखते हैं। जैसे इम्पर्सनल ऑर्डर मैंने आपको बताया, ठीक है जी। ये जो अथॉरिटी होती है टू इश्यू ऑर्डर, इट लाइज इन ऑफिस एंड नॉट इन द पर्सन। ऐसा नहीं कि मेरा रिलेटिव है तो मैं उसे प्रमोशन दे दूंगा, या मेरा रिलेटिव है तो मैं उसको बोलूंगा किसी की ज़मीन खा लूँ क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है। ये जो पावर होता है ना जी, ये आपके ऑफिस में होता है, ना कि आपने कहीं और से लाया होता है। उसके बाद रूल्स की बात, हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है। रूल्स की बात करें तो देखिए, रूल्स में क्या होता है, जो ऑफिसर होता है वो काम जो करता है उसका फंक्शन इज बाउंड बाय रूल्स, ठीक है जी। मे बी टेक्निकल रूल्स, नॉर्म्स, जो भी हो, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो डीसी साहब ये बोलते हैं कि ये तो मैं इसकी हेल्प करता इस औरत की, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा। और होता क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही वी आर लॉस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वी फॉरगेट द एम्स। एक गरीब की मदद करना हम भूल जाते हैं, हम कानून ही देखते रहते हैं। उसके बाद स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, कि स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस में आपको ये बोलूँ कि क्या काबिलियत है आपकी स्पेशल। फॉर एग्जांपल, एक पेडियाट्रिशियन होता है, उसका स्फीयर ऑफ जो कॉम्पिटेंस होता है वो पेडियाट्रिक्स होता है, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को ट्रीटमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। पहला, अगर आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस इन टर्म्स की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका कुछ काम होना चाहिए, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आपको बोला कि यह काम करना है आपने, आप केएस ऑफिसर हो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अथॉरिटी ना हो तो फ़ायदा क्या है फिर, ठीक है जी। उसके बाद क्लियरली डिफाइंड मीन्स ऑफ कंपल्शन, कि कोई आपका रूल ना सुने तो आपके पास होना चाहिए कुछ कि आप उस ऑर्डर जो आपने दिया है उसको आप करवा सके, ठीक है जी। और आप खुद ना करें काम तो आप पे भी रूल लागू होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद हायरार्की, जैसे पहले बोला था, ईच ऑफिस इज पार्ट ऑफ चेंज। जैसे मैंने बोला था, जो भी ऑफिस, चाहे डीसी साहब हो या कोई क्लर्क हो, ये हर एक लोग क्या होते हैं, ये रैंक में होते हैं, कहीं ना कहीं रैंक्स में होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर भी कोई होता है, इनके नीचे भी कोई होता है, ये एक प्रॉपर सिस्टम से काम करते हैं, ठीक है जी। पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स, देखिए सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर्टी एज ए डीसी साहब आपका बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या आप स्टे जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में होता है उसके आप एक तरह के मालिक होते हो, तो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, ऐसा भी नहीं है। सेपरेट होता है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है, और ऑफिशियल कैपेसिटी में जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आप कंट्रोल करते हो, वो अलग है, आप उसके मालिक नहीं बनते हो, ठीक है जी। उसके बाद रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जो भी होता है उसका राइटिंग में रिकॉर्ड होता है, ठीक है जी। रूल्स जो भी बना वो लिखे जाते हैं पहले, ठीक है जी। अब रिटन डॉक्यूमेंट से क्या होता है कि सबूत होता है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो अकाउंटेबल बनती है, ठीक है जी। देखिए, ये जो वेबर साहब थे, इनको ये भी लगा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इतने पावरफुल बन सकते हैं कि एब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, ठीक है जी। इसलिए उन्होंने कुछ मैकेनिज्म बताए कि कंट्रोल कैसे करें, जो ब्यूरोक्रेसी हो उसको कंट्रोल में कैसे रखे, ऐसा ना हो कि वो एब्यूज ऑफ पावर स्टार्ट करें, ठीक है जी। जरा देखते हैं क्या उन्होंने बोला। देखिए, उन्होंने बोला कॉलेजियलिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोक्रेटिक टाइप, उसका अपोजिट होता है ये, ठीक है जी। इसका अपोजिट होता है मोनोक्रेटिक टाइप, मीन्स मतलब कि एक बंदा एक डिसीजन लेता है,
जो मर्जी है डीसी साहब, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ऐसा समझिए आप। अब कॉलेजियलिटी में जो कंट्रोल है ब्यूरोक्रेट पे कि वो ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर ना करे, वो कंट्रोल अपने आप को दुनिया का बादशाह ना समझे, बेताज बादशाह, ठीक है। अब कॉलेजियलिटी में होता यह है कि अगर कोई डिसीजन लेना है, जिसे डिसीजन मेकिंग, डीएम मीन्स डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अगर कुछ होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिसाइड करना कि एक स्कूल बनाएं या नहीं बनाएं, उसमें डीसी साहब ही नहीं बल्कि कोई और इंसान भी होना चाहिए। जब एक दो लोग डिसीजन लेंगे तो उससे जो अथॉरिटी, सॉरी जो अब्यूज़ ऑफ पावर है वो कम हो सकता है, ठीक है जी। कुछ चेंजेस लानी हो तो दो लोग डिसीजन ले तो उसमें एक ये होता है कि अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं होता, एक ही इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं रहता, ठीक है जी। उसके बाद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेम फंक्शन अमंग मोर देन वन बॉडी। देखिए बहुत सारी बॉडीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, तो उनमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि एक फंक्शन करना, अगर रोड बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो कंट्रोल होगा क्या करना है क्या नहीं, वो एक दो डिपार्टमेंट्स ऐसे होने चाहिए, एक दो बॉडीज ऐसे होनी चाहिए जो डिसाइड करे, उससे अब्यूज ऑफ पावर कम हो सकता है। उसके बाद एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन कि कुछ अनपेड पर्सन्स, फॉर एग्जांपल वॉलंटियरली कुछ लोग आते हैं जिन्हें शौक होता है मदद करने का लोगों की, तो उन उनके हाथों भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए, ठीक है, क्योंकि उनका उनका मकसद है लोगों की हेल्प करना, वो उस घर से आएंगे, ठीक है जी। उससे भी क्या होगा, जो अब्यूज़ ऑफ पावर वो कम हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट है इसको आप किसी असेंबली के अंडर रखिए टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जैसे हमने इंडिया में बहुत सारी बातें चली थी कि कुछ बोर्ड्स बनाएंगे, ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी जिनके अंडर हम रखेंगे ब्यूरोक्रेट्स को, ताकि वो अकाउंटेबल बने, ताकि वो अब्यूज़ ऑफ पावर ना कर सके, ताकि उनको भी किसी को जवाब देना पड़े, अगर उनके ऊपर कोई बॉडी है उनको जवाब देना पड़े। ऐसे तो वो खुद ही जो मर्जी है, बहुत सारे होते हैं ऐसे जो खुद ही कर लेते हैं, जो मन किया कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम किसी असेंबली की, किसी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन थ्रू पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट जो है उसका कंट्रोल, अगर रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट है, वहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका कंट्रोल, नेताजी पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो आप, ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है जी। उसके बाद जो वेबर है उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी क्यों, उन्हें उसमें बोला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई जी इसलिए बढ़ गई, मनी इकोनॉमी आ गई उससे बड़ी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं उससे बड़े, पॉपुलेशन इससे भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी ज़रूरत बढ़ी, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस ये भी बढ़ी। यहाँ इतना समझिए डेवलपमेंट डायनामिक्स में, ये वाली चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूँगा। अब क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट हर चीज़ का होता है, तो ये जो वेबर साहब थे इनको कहाँ छोड़ते, इनका भी क्रिटिसिज्म हो गया। अब क्रिटिसिज्म में क्या क्या बोला, देखिए हायरार्की की बात करें, ठीक है, ये बोला गया कि आपने जो सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है वो तो आपने चलो ठीक बोला, लेकिन जो सबॉर्डिनेट है उसके बारे में तो आपने बोला ही नहीं कि उसका कुछ अथॉरिटी हो ना हो, उसकी कुछ मर्जी हो, वो चलेगी नहीं चलेगी, वो तो चलेगी ही नहीं आपके हिसाब से, जो वेबर है उनके हिसाब से तो इसका जो सबॉर्डिनेट है उसकी कोई औकात ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उससे क्या होता है, ये जो सबॉर्डिनेट होगा ये डिसीजन ही नहीं ले पाएगा वेबर के हिसाब से, वेबर का जो सिस्टम है उन्होंने बताया, अपनी थ्योरी जो बताई, ये उनके हिसाब से तो इसको डिसीजन ही नहीं लेना है। जब सबॉर्डिनेट डिसीजन ही नहीं लेगा तो ये डीमोटिवेट होगा, ये तो एक मशीन की तरह काम करता है, सुबह आता है जो डीसी साहब बोलते हैं वैसा करता है, शाम को निकल लेता है, खिसक लेता है, तो डीमोटिवेट हो जाता है, और डीमोटिवेट ये सबॉर्डिनेट हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी नहीं चलती, ठीक है जी, इनएफिशिएंट हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेंटल डेवलपमेंट, ये जो बंदा बेचारा यहां पे आपने इसको लगाया, इसको बोल रहे हैं बस आप लिखते जाओ दिन भर, इसकी जो मेंटल कैलिबर होता है वो भी इफेक्ट होता है, कम होता हो जाता है, ठीक है जी। दूसरी बात है कि हायरार्की, आपने बोला कि ये रैंक, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, अब फाइल लेनी हो तो वो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो मतलब रेड टेपिज्म इसी को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि रेड टेपिज्म आ जाएगा भाई, ठीक है जी, रेड टेपिज्म आ जाएगा तो करप्शन ज़रूर आता है, आपको जल्दी है, आपको फाइल सीधे यहाँ पे पहुँचानी है तो आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मर्टन एक थिंकर है, उन्होंने क्या बोला,
इन्हें बोला कि जो वेबर है इन्होंने फोकस किया रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, उन्होंने ध्यान दिया ठीक है जी, लेकिन गोल्स पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि गोल है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है कि हमें अचीव करना है, पॉवर्टी जो है फॉर एग्जांपल हमारा गोल उसको खत्म करना है, इस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हो कि रू ये गोल कैसे अचीव हो, कैसे जल्दी अचीव हो सकता है, कैसे गोल पे इफेक्ट पड़ता है, आप बस रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही टिके हो, ये मर्टन ने बोला ठीक है जी। ये भी बोला गया कि ये एंटी डेमोक्रेसी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, 5-10 लोग होते हैं, 100-200 लोग होते हैं जो काम चलाते हैं पूरे देश का, इससे तो कंसंट्रेशन पार हो जाता है, ये तो डेमोक्रेसी के अगेनिस्ट है। डेमोक्रेसी मतलब सबके हाथ में हक होना चाहिए, सबके हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए ठीक है जी। उसके बाद ये बोला गया कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है, सॉरी इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, ओके, INCONSIS। देखिए ये बोला गया कि जो फोकस, अब पहले आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जो वेबर है ये स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है वहां पे कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है ठीक है जी, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को एक एमडी, एमडी जो फॉर एग्जांपल केएस करके आया है, वो एमडी क्या बोलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर ठीक करो, क्योंकि एमडी को पता ही नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्पेशलिस्ट होता है ये तो अलग होता है, इसका काम अलग होता है ठीक है जी। तो स्पेशलिस्ट को किसी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेबर साहब है वो क्या कहते हैं कि हायर आर्की होनी चाहिए, ऊपर से ऑर्डर होना चाहिए, तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है ना। खुद ही आप बोल रहे हो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन की बात करो, खुद ही आप बोल रहे हो हायर आर्की, मतलब आप पहले ये बोल रहे हो कि ABC ऐसे चलो, उसके बाद आप उल्टा खुद ही बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि स्पेशलिस्ट को तो किसी की ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अब MD साहब तो इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते ठीक है, आप खुद ही ये भी बोल रहे हो कि MD साहब इंस्ट्रक्शन भी दे और ये किसी की सुने भी ना, तो वो तो इंटरनल इनकंसिस्टेंसी हो गया ठीक है जी। ये टॉलकॉट पासन थे, इन्होंने बोला था ओके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स, रॉबर्ट के मर्टन ने बोला था कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम फॉर एग्जाम्पल कोई विडो है, उसकी हेल्प हम करना चाहते हैं, उसके लिए फंड्स हैं, लेकिन हमने रूल्स के हिसाब से जाना है, और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के इतना पीछे पड़ जाते हैं कि जो हमारा असली मकसद हो जाता है वो कहीं रहता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स हो जाता है, जो हमारा गोल था इस वीडियो की हेल्प करना वो कहीं रहता ही नहीं, हम बस रूल्स एंड रेगुलेशन में ही खोए रहते हैं, फॉर्मेलिटी की ये लिख के लाओ, एप्लीकेशन लिख के लाओ, इसका रूल ये है, अब आप 4 दिन बाद आओ, तो जो गोल होता है वो रहता ही नहीं, उसे डिस्प्लेस हो जाता है ठीक है। उसके बाद नेगलेक्ट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट, यहाँ पे इंसान के बिहेवियर की, सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की कहीं पे भी वेबर साहब जो थे इन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं की, इन्होंने कुछ इसके बारे में बोला ही नहीं, इन्होंने भी इंसान को मशीन समझा। जो रॉबर्ट प्रस्तर से इन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉडल इन्होंने बताया, वेबर ने बताया, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज में, ये नहीं चलेगा, इन्होंने ये बताया ठीक है जी। उसके बाद देखिए इसका कुछ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जो हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट डायनामिक्स के टाइम पे ठीक है जी। थोड़ा सा मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ जल्दी जल्दी में, आई एम सॉरी आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल टुडे। पहले हमने बोला था कि पावर एक गुंडे के पास होता है, अथॉरिटी एक ऑफिसर के पास होता है, पावर में कोर्शन होता है, अथॉरिटी में लेजिटिमेसी होता है, लेजिटिमेट एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि ये एलिमेंट्स 5 होने चाहिए, एक इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो रूल करें, उसके बाद वो लोग जिन पर रूल किया जाए, उसके बाद जो रूलर है उसका विल होना चाहिए कि मैं इन्फ्लुएंस करूँ, उसके बाद ये प्रूफ होना चाहिए कि जो रूलर का जो जो भी है उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है इस सोसाइटी में, उसके कहने से चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। उसके बाद ये भी होना चाहिए था प्रूफ की एक्सेप्टेंस होती है, जो किंग कहता है, ये जो लीडर कहता है, रूलर कहता है, वो माना जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात की, करिज्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब कि कस्टम्स पे अथॉरिटी डिपेंड होती है ठीक है, पुराने राजा या जो जमींदार होते हैं उनका वाला ट्रेडिशनल अथॉरिटी। उसके बाद करिज्मेटिक अथॉरिटी, कोई बंदा ऐसा होता है सबसे डिफरेंट होता है, वो अपने करिज्मा से, अपना जो उसका पर्सनैलिटी होता है सबसे अच्छा सबसे डिफरेंट, उसके बलबूते पे अथॉरिटी चलाता है, तो करिज्मेटिक अथॉरिटी। उसके बाद लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो हम आजकल देखते हैं ऑफिस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद जो वेबर थे
हाँ, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि ऑफिशियल बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहता है, लॉज के अंडर चलता रहता है, हर एक बंदा ऑफिशियल जो होता है वो पार्ट ऑफ हायरार्की होता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल का जो भी इसके रिसोर्सेज होते हैं ऑफिस में, उसके अपने नहीं होते, वो गवर्नमेंट के होते हैं या स्टेट के होते हैं, ठीक है जी। ऑफिस वो इनहेरिट नहीं कर सकते ना बेच सकते, अपने बेटे को नहीं बोल सकते अब मैं रिटायर हो गया बेटा आप आ जाओ, ठीक है जी। रिटर्न रिकॉर्ड से चलता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर क्या बोला, ऑफिशियल्स का क्या बोला है करेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें है कि वर्क, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, प्रॉस्पेक्ट्स ग्रोथ के होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये फुल टाइम ऑक्यूपेंसी होता है, ऐसे नहीं कि आईएएस ऑफिसर बोले मैं तो बिजनेसमैन हूँ आईएएस तो मेरा पार्ट टाइम जॉब, ऐसा भी नहीं चलता। उसके बाद वो पर्सनली फ्री होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो इम्पर्सनल रूल्स के अंडर काम जो है इम्पर्सनल रूल्स के हिसाब से चलाते हैं स्टेट को, या जो भी उनका काम हो तो उसको इम्पर्सनल रूल्स के हिसाब से चलाते हैं। अपॉइंटमेंट डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे, ठीक है जी। उसके बाद वेबर के को जो मॉडल है उसमें ये एलिमेंट्स थे, इम्पर्सनल ऑर्डर, रूल्स, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, हायरार्की, पर्सनल पब्लिक एंड रिटन रिकॉर्ड्स एंड मोनोक्रेटिक टाइप। इम्पर्सनल लॉ मतलब कि आप एज ए पर्सन लॉ नहीं देते हो, आप एज एन ऑफिसर जो है सॉरी एज ए पर्सन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, लेकिन एज एन ऑफिसर देते हो, एज जो आपका ऑफिस होता है उसके उसकी वजह से आप में एक ऐसा अथॉरिटी आता है जिसके बिना पे आप देते हो, तो आप पर्सनलाइज नहीं हो सकते, अपने अपने मन का नहीं चला सकते यहाँ पे, जो आपको खुश करे जिसको फ़ायदा पहुँचाना चाहे वैसा नहीं होता ना। उसके बाद रूल्स में आपने काम करें, उसके बाद स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस की क्या है आप में खासियत, उसके बाद हायरार्की, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स की ऑफिस का अलग, प्रॉपर्टी आपकी अलग, ठीक है जी। रिटर्न रिकॉर्ड से चलता है, उससे क्या है जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो अकाउंटेबल बनती है, ठीक है जी। उसके बाद ये बोला गया कि ब्यूरोक्रेसी अगर एब्यूज़ ऑफ पावर करे तो उसके अगेंस्ट क्या दिया गया, कोलिजियलिटी बोला गया कि एक दो बंदों को डिसीजन मेकिंग में लगा दो, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया, जो कि या मोर देन एक बॉडी में हो वो, ठीक है जी। उसके बाद एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन की, जो वॉलंटरी पीपल होते हैं उनके हाथ में थोड़ा सा दे दीजिए, उससे जो एब्यूज ऑफ पावर है वो कम हो सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को किसी बॉडी के अंडर डाल दीजिए जिनको इन्हें जवाब देना पड़े, उनसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म की बात की, आई होप थिंग्स आर क्लियर, और हमें आगे फिर से डेवलपमेंट डायनामिक्स जैसे मैंने बोला वहाँ पे और डिस्कस करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज़ 9926227217182। थैंक यू वेरी मच।